बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको होम फूड डायरीज़ पे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ट्रेंडिंग रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन पॉपकॉर्न्स की। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत ही टेंडर और जूसी हैं। एक बार अगर आप ये रेसिपी बना लेंगे तो आप बिल्कुल कभी भी इसे बाहर से ऑर्डर नहीं करेंगे और आपके बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। जी तो यहाँ मैंने 600 ग्राम चिकन ब्रेस्ट पीस ले लिया है। चिकन ब्रेस्ट पीस से बहुत जल्दी बनते हैं क्योंकि ब्रेस्ट बहुत जल्दी से सॉफ्ट और टेंडर हो जाते हैं। यहाँ हम एक पेरी पेरी मसाला बना रहे हैं जिसमें यहाँ आपके सामने है पेपरिका पाउडर हम 1 टीस्पून ले रहे हैं, खटाई पाउडर या अमचूर पाउडर 1 टीस्पून ले रहे हैं, इसके अलावा चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून ले रहे हैं, गार्लिक पाउडर है 1/2 टेबल स्पून, यहाँ काली मिर्च का पाउडर है, चिली फ्लेक्स है 1/2 टी स्पून, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, इसके अलावा शुगर है 1/2 टीस्पून और यहाँ 1 टेबलस्पून सॉल्ट है। तमाम चीज़ों को हम किसी ग्राइंडर मिक्सर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। इसके अलावा लहसुन अदरक का हम 1 टेबलस्पून पेस्ट लेंगे, लेमन जूस लेंगे हम 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून अनियन जूस लेंगे और पेरी पेरी मसाला इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रेस्ट पीस की कटिंग कर लेते हैं। मैंने सेंटर से अलहदा कर लिया है, ऐसे डायगनली हम इसके स्ट्रिप्स से काट लेंगे और जब से हमारे स्ट्रिप्स कट जाएंगे तो हम यहाँ भी इसके डायगनल कटिंग कर लेंगे। परफेक्ट क्यूब नहीं काटेंगे और ना हमने बहुत बड़े पीस लेने हैं ना बहुत छोटे पीस लेने हैं, जिस तरह के आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल आइडियल पीस हैं इसके। तो इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। 1/2 टेबल स्पून यहाँ मैंने सॉल्ट लिया है और इसके बाद 1 टेबल स्पून यहाँ मैं अनियन जूस इस्तेमाल करूँगी, 2 टेबल स्पून यहाँ लेमन जूस इस्तेमाल करूँगी और यहाँ हमने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है। अनियन जूस से बहुत ही टेंडर हो जाते हैं और अंदर से बहुत जूसी रहते हैं, ड्राई नहीं होते। 2 टेबलस्पून यहाँ मैं पेरी पेरी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ जो होममेड है और आप बिल्कुल इसे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास पेरी पेरी सॉस मौजूद है, अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप इसमें 1 टेबलस्पून और पेरी पेरी मसाला इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। पेरी पेरी सॉस माइल्ड वाला था, मैंने 2 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट मिक्सिंग के बाद हमें तकरीबन इसे 15-30 मिनट आप मैरिनेशन टाइम दे दें। देखिए मैरिनेशन के लिए मैंने इसे रख दिया है और जब हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो रही है हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। 2 कप यहाँ मैंने मैदा ले लिया है और इसके अलावा मैं इसमें 1/4 कप कॉर्न स्टार्च यूज़ करूँगी। कॉर्न स्टार्च से इसके फ्लेक्स बहुत क्रिस्पी बनते हैं और काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं, तो आप कॉर्न स्टार्च ज़रूर कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करें 1/4 कप। और इसे हम फीका नहीं छोड़ेंगे बल्कि इसमें 1 टीस्पून में सॉल्ट ऐड करूँगी। तमाम चीज़ों को आप 1-2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लें, अगर छानना चाहते हैं तो छान लें और बिल्कुल ठंडा आइस क्यूब्स वाला आप ठंडा पानी ले लें। तो हमारा सेटअप बिल्कुल रेडी हो चुका है कोटिंग के लिए। अब यहाँ 5-6 पीस ले लें और इसकी फर्स्ट कोटिंग कर लें। इसमें आपने सिर्फ इसको कोट करना है, प्रेस नहीं करना। अब देखिए मैंने अच्छे से इसकी कोटिंग कर ली है, इसके बाद हम एक स्ट्रेनर ले लेंगे और एक्स्ट्रा कोटिंग को निकाल देंगे, छान लेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मैंने इसे छान लिया है और इसके बाद हम इसे पानी में एक बार डिप करेंगे 4-5 सेकेंड्स के लिए। अब आप देखिए मैंने इसे पानी में डिप कर दिया है। अब हमारा चिकन सेकेंड कोटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसे दोबारा से कोट करेंगे। यहाँ हम इसे 1-2 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे, प्रेस भी करेंगे और रब भी करेंगे ताकि बहुत अच्छे से फ्लेक्स बन जाए हमारी चिकन पे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैं इसे प्रेस भी कर रही हूँ और थोड़ा रब भी कर रही हूँ। इस तरह से करने से बहुत अच्छे से फ्लेकी हमारी बनते हैं पॉपकॉर्न्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है बहुत फ्लेकी सी हमारी कोटिंग हो चुकी है। एक बार फिर मैं इसे दूसरी छाननी से छान लूँगी ताकि एक्स्ट्रा कोटिंग निकल जाए। ऑयल हमारा मीडियम आँच पे गरम है, इस तरह आपने खुले मुंह वाले बर्तन में ही इसे फ्राई करना है। अगर आप कढ़ाई में करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फ्राई पैन में कर रही हूँ। और इसे आपने ढकना ज़रूर है ताकि इसमें एक प्रेशर बन जाए और बहुत अच्छे तरीके से अंदर से टेंडर रहे लेकिन सख्त ना हो, जूसी रहे चिकन और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी। 5 मिनट में ये बिल्कुल डन हो जाएगी। आप देखिए हमारी कितने अच्छे क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं चिकन पॉपकॉर्न्स।
और आप इसे 5 मिनट में बिल्कुल डन कर सकते हैं। अगर आप चिकन ब्रेस्ट पीस इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर थाई पीस यूज़ कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसे ज़्यादा टाइम दे दें, 7 to 8 मिनट दे दें। अब आप देखिए हमारे डन हो चुके हैं, हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अब परफेक्टली क्रिस्पी और अंदर से बहुत टेंडर जूसी चिकन पॉपकॉर्न्स रेडी हो चुके हैं। ऊपर से थोड़ा सा मैं पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी, क्योंकि ऐसे ही बाहर से मिलते हैं और बिल्कुल यही लुक और यही जायका होता है, बल्कि उससे भी बेटर है। रेसिपी आपको आज पसंद आई हो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही मज़ेदार आसान रेसिपीज़ के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।